ठीक है, लाइक जैसे डिजिटल ट्रेंड से ये वाटर मार्क इस इमेज को मुझे हटाना है, मेरे को ये इमेज को चूज करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सेव किया और इस इमेजेस को मैं ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर लेके आ रहा। ठीक है, सबसे पहले इमेजेस को अनलॉक करोगे आप, अनलॉक। ठीक है, ये वॉटरमार्क हटाने के लिए मुझे ना इसका सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो सिलेक्शन हम किस तरीके से लेंगे, एक टूल होता है हमारे पास लेसो टूल, लेसो टूल होता है फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए। किसके लिए, फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए, हम किसी भी इमेज का इस तरीके से फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तीन चार ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। ये होता है ये वाला सिलेक्शन न्यू बनाने के लिए, कोई भी सिलेक्शन न्यू बनाएगा ये, अगर इसके टॉपिक के बारे में चल ही रहे हैं हम। ये सिलेक्शन होता है ऐड सिलेक्शन, क्या होता है ऐड सिलेक्शन, अगर इसी सिलेक्शन में मेरे को कोई और सिलेक्शन ऐड करना हो तो इस तरीके से हम सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, वो सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस किया, सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करके आप सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं से। ये सिलेक्शन होता है माइनस करने के लिए, मुझे कोई सिलेक्शन माइनस करना है, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, इतना एरिया मुझे को हटाना है, तो इस तरीके से सिलेक्शन को रिमूव भी कर सकता हूँ। ये वाला माइनस वाला, आप कोई भी सिलेक्शन को इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इस टॉपिक पर चलो बाद में बात करेंगे, पहले हमारा टॉपिक है कि वॉटरमार्क कैसे हटाते हैं। तो हमने पहले लिया न्यू सिलेक्शन, यहाँ से एक सिलेक्शन लेसर टूल लेना है, इस पर क्लिक करना है न्यू सिलेक्शन पे। मैंने इतना एरिया कर लिया, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको एडिट के अंदर जाना है, फिल के अंदर जाना है, एडिट के अंदर जाओगे, फिल के अंदर जाओगे, शिफ्ट टैब 5, फिल की शॉर्टकट की नोट कर लेना, शिफ्ट टैब 5, शिफ्ट टैब 5 सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक टूल आएगा कंटेंट अवेयर, और टूल आएगा कंटेंट अवेयर, आपको कंटेंट अवेयर पर सिलेक्ट करना है। अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके अंदर, पर आपको चूज करना है कंटेंट अवेयर पर, चूज करना है, देन ओके कर। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा ये वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी होता है सिलेक्शन उठाने के लिए,